वेलकम स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाले हैं जो कि आपका ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो बिफोर हम इसके डायग्राम के तरफ बढ़े, एक चीज़ हम रिकैप करना चाहते हैं जो इससे पहले हमने देखा है कि अगर आपके पास एक ऐसे करेंट लूप है और इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, आई आपका करंट फ्लो कर रहा है, और इस लूप का जो एरिया है आपका वो आपका ए है, तो इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है वो होता है आई इंटू ए। सो मैग्नेटिक मोमेंट एम ऑफ दिस करंट लूप, ये जो करंट लूप है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये आपका हो जाएगा आई इंटू ए, और यही वैक्टर फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेर ए बिकम्स नाउ द एरिया वैक्टर। ठीक है, सो ये अंडरस्टैंडिंग हम लेके चलेंगे क्योंकि हम इसका उपयोग अब करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने मेन पार्ट का। सो हमारे पास आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व कर रहा है। सो यू आर हैविंग द ऑर्बिट और इसमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस है आर। सो इस ऑर्बिट का रेडियस हमने ले लिया आर, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमने ले लिया एम ई। सो एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं वेलोसिटी जो दी जाती है वो टेंजेंशियली हम देंगे, तो इस तरह से हम दे देते हैं, ये होगी इसकी वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इस ऑर्बिट में घूम रहा है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके अराउंड ये घूम रहा है। नाउ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को या इस तरह से घूमने को हम एक करंट लूप भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि करंट वायर में आपका क्या है, करंट वायर जब आप लेते हैं तो बेसिकली यहाँ चार्जेस ही फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, करंट का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता, फिजिकली एग्जिस्ट तो चार्ज करते हैं तो वही मूव कर रहे हैं, तो इसके इक्विवेलेंट हम इसको ले सकते हैं, इस सिचुएशन को इसको भी हम ले सकते हैं कि यहां चार्ज आपका मूव कर रहा है लूप में। ओके, सो इसी एनालॉजी को लेके अगर हम यहां करंट शो करना चाहें और ये अंडरस्टैंडिंग रखते हुए कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा रहे हैं तो हमारा करंट हो जाएगा आपका इसके अपोजिट, इस तरह से करंट आपका हो जाएगा। ठीक है, सी करंट हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अगर आप इसको फुल्ली करंट लूप के रूप में ले लेते हैं तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट देखिए कैसा हो जा रहा है, ये करंट ऐसे जाता है। आप ध्यान रखिएगा आई जो होता है आपका जो एम होता है वो होता है आई इंटू ए, ठीक है, और ए है आपका एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो ये सरफेस है हमारा सर्कुलर सरफेस, तो अगर कोई चीज सर्कुलर है, ठीक है, तो उससे नॉर्मल मतलब या तो ऊपर या तो ऐसे नीचे, तो इस तरह से आपको इमेजिन करना, इस तरह से है ये, तो ये कैसे घूम रहा है आपका, इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका करंट घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो किधर चला जाएगा अगर क्लॉकवाइज ऐसे मैं घुमाऊं, देखिए थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो यही आपको दे देगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, आपने करंट के साथ ऐसे मैच किया, थंब चला गया नीचे। ध्यान रखिएगा ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ हम थ्री डायमेंशनल डायरेक्शंस को देख रहे हैं। सो ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए कि इस तरह से लूप है, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाया फिंगर, कर्लिंग ऑफ द फिंगर किया और आपका थंब चला गया नीचे की तरफ। चलिए, तो ये डायरेक्शंस आपके शॉर्ट आउट हो गए। ध्यान रखिएगा हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूला के लिए एरिया चाहिए और करंट चाहिए। सो बिफोर एरिया पहले हम करंट को देखते हैं कि करंट निकालते हैं आई कितना है, तो करंट जो होता है वो होता है चार्ज बाय टाइम। ठीक है, सो यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो इलेक्ट्रॉन बाय टाइम हम यहाँ कैपिटल टी डिनोट कर रहे हैं जो कि है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि भाई एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगने वाला है, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, एक फुल जो ये रेवोल्यूशन कर रहा है आपका, फुल एक रेवोल्यूशन में इसको कितना समय लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगने वाला है, वो आपका टी है।
चलिए तो टी निकाल लेते हैं सेपरेटली। टी क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कॉन्स्टेंट स्पीड से आपका मूव कर रहा है, सो ये हो गया आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे देंगे, सो इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। सो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब एक चक्कर अगर लगाता है आपका तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? इसके सर्कमफेरेंस के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा? 2πr। इतना डिस्टेंस से मूव कर जाता है। सो ठीक है, 2πr। और कितनी इसकी स्पीड है? हमने बोला है v, सो v इसको स्पीड दे देते हैं। तो ये हो गया वो समय जो ये इलेक्ट्रॉन एक पूरा रिवॉल्व करने में यूज कर रहा है। ठीक है, इसको यहां अप्लाई कर देते हैं। सो हमारा जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा e बाई, पुट कर दिया, 2πr बाई v, या ev बाई 2πr। सो हमारा करंट आ गया, जो हम चाहते थे कि हमें तो ये निकालना है, m निकालना है, तो हमें करंट और एरिया चाहिए। करंट हमें मिल गया ev बाई 2πr, दिस इज द करंट। ओके, अब एरिया, एरिया तो सिंपल है, हम सर्कुलर ऑर्बिट मान रहे हैं, क्योंकि हम सर्कुलर ऑर्बिट मान रहे हैं, एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो चलिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। सो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, एम, नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन और या एटम, एटमिक स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, इस केस में इसका रिप्रेजेंटेशन म्यू से किया जाता है। ठीक है, इसी मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से, सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग चीज यहां नहीं निकाला जा रहा है, यहां भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट ही निकाला जा रहा है, पर यहां पर इसको म्यू से डिनोट कर रहे हैं, साथ ही साथ एल जोड़ देते हैं टू रिप्रेजेंट ऑर्बिटल मोशन। ये एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एल आपका जोड़ दिया जाता है। सो म्यू एल से हम इसको अभी रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये कितना होगा? फॉर्मूला वही रहेगा, भले हमने सिंबल चेंज कर दिया, फॉर्मूला वही, क्या? आई इंटू ए। ठीक है, आई इंटू ए। ओके चलिए, सो म्यू एल हो गया आपका, कितना हो गया? आई कितना निकाल दिए? ई वी आर बाई 2πr। ओके, ई वी आर बाई EV by 2πr। साथ ही साथ एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? देखिए, ये हमें मिल जाएगा EV आपका, ठीक है, और ये R यहाँ एक बच जाएगा ऊपर में, यहाँ R एक खत्म हो जाएगा, पाई भी आपका चला गया, तो ये मिल जाएगा EVR by 2। ये हमें मिल जाता है म्यूवल, कितना मिल गया? EVR by 2। ठीक, तो ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया इस इलेक्ट्रॉन का जो कि मूव कर रहा है इन्हें ऑर्बिट पर। हम डिस्कशन को यहीं पर न समाप्त करके हम डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, डिस्कशन को यहां आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि हम यहां पर बोर का एक क्वांटाइजेशन इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में दिया था। सो वो जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन है उसको जस्ट हम अभी देखेंगे, पर क्योंकि यहां पर हम आपका बोर का वो क्वांटाइजेशन इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें यहां पर वो एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा? जो एल है आपका एंगुलर मोमेंटम, वो आपका हो जाएगा एल, ठीक है, वो हो जाएगा एम वी आर। ठीक, वेक्टर फॉर्म में आपको पता है आर क्रॉस पी, तो वहीं से हमें ये मिल जाता है एम वी आर। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम ई का मतलब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एम वी आर इज दी एंगुलर मोमेंटम। सो देखिएगा, यहां वी आर है, यहां भी वी आर है, तो कुछ हम रिप्लेस करके दोनों इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से vr आपका क्या हो जाएगा? vr हो जाएगा l by m e, ठीक है। सो ये हम जो vr हमें मिला है यहां पर, ये हम यूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं। सो इस पार्ट को मैं हटा देता हूं आपका, ठीक है, और आपका इंट्रोड्यूस कर देते हैं म्यूएल में। क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? vr की जगह ये, तो vr की जगह मैं ये लिखता हूं, तो म्यूएल आपका हो जाता है e by 2m into l, ठीक है। सिंपली देखिएगा, vr की जगह क्या आ गया?
एल बाई एम ई, तो ई बाई टू एम ई इसका तो, ठीक है। अब ब्रैकेट में डालने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम कांस्टेंट, टू कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, सो ये पूरा आपका कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से आप अपने मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम इन टू एल, ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। हम जानते ही हैं मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा म्यू एल इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ये बताता है कि म्यू एल का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए एम मतलब जो आपका म्यू एल है उसका डायरेक्शन ये है, और यहां से हमें मिलता है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वो ऐसा होगा, ठीक है, वो आर और वी के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये आपका एल का डायरेक्शन है। ये अपोजिट होने के कारण हम यहां पर माइनस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि यहां हम बोर के क्वांटाइजेशन इक्वेशन को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो भाई ये बोर का जो क्वांटाइजेशन इक्वेशन है ये क्या है, ये क्या कहता है? सो ये बोर का जो क्वांटाइजेशन इक्वेशन, ये बहुत स्पेसिफिक बात कहता है। ये कहता है कि ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स है ना, ये बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, पर सारे ऑर्बिट्स माने सारे रेडियस के ऑर्बिट्स आप अगर इमेजिन करें तो आपको इन्फिनाइट ऑर्बिट्स आप इमेजिन कर सकते हैं, पर सभी में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। कहने का मतलब है ये अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ एक ऐसे अगर मैं जस्ट मैं बनाना चाहूँ ऑर्बिट, तो मैं कई सारे रेडियस के, है ना, कई सारे रेडियस के, ऐसे में इन्फिनाइट रेडियस के ऑर्बिट्स इमेजिन कर सकता हूँ। पर बोर ने कहा कि हर एक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी रह सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही पाया जाएगा। वो कौन से ऑर्बिट्स हैं? वो ऑर्बिट्स हैं जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम आपका एच बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, वेर एन इज एन इंटीजर। तो जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, सो 1h by 2 pi या 2h by 2 pi, 3h by 2 pi। तो अगर एंगुलर मोमेंटम इतना है उस ऑर्बिट में तभी वहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वरना आपका उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, समझे। सो वही ऑर्बिट आपका अलाउड है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड जिसमें एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का मल्टीपल है आपका, ओके। सो देखिए क्वांटाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज करने का मतलब होता है फिक्स कर देना चीजों को, एक स्पेसिफिक प्रिसाइज कर देना, वैल्यू फिक्स कर देना। तो यहां फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया कि भाई किसमें किसमें इलेक्ट्रॉन पा आया हो सकता है, किस किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो फिक्स कर दिया। किसमें हो सकता है? जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई, वेर h इज प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, उसी में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बोर का क्वांटाइजेशन इक्वेशन है। अब हम यहां शुरू से ही मान के चल रहे हैं कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और सारा कैलकुलेशन हम वैसे ही कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये ऑर्बिट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में पाया जा रहा है ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो रेडियस आर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सो इस वैल्यू का इस्तेमाल हम यहां कर सकते हैं, चलिए करते हैं। सो म्यू एल हो जाएगा आपका ई बाई टू एम ई, और साथ में L को कितना हम पुट कर देते हैं, NH by 2 pi, so NH by 2 pi पुट कर दिया, ओके। सो हमें क्या मिल गया, देखिए हमें मिल जाता है आपका N रख देते हैं EH by 2 into 2, ये 4 हो जाएगा, 4
पाई एम ई, ये वैल्यू हमें म्यू एल का मिल जाता है. सो व्हाट वी गॉट एज म्यू एल इज एन ई एच बाय 4 पाई एम ई, ये हमें म्यू एल मिल जाता है. तो ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या इसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल मोशन, एक ऑर्बिट में जब ये घूम रहा है तब आपका इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है. ठीक, एक चीज और है इसमें आपका, हमने यहां पर निकाल दिया कि ये तो हमने किसी भी ऑर्बिट के लिए ले लिया है ना, एन आपका कोई भी नंबर हो सकता है. अगर हम हाइड्रोजन एटम की ही बात करें, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करें, क्योंकि हम ध्यान देंगे कि बोर ने सिर्फ इसी के बारे में बात किया था जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आगे चल के वही उनके लिए लिमिटेशन भी बन गया, पर उन्होंने बात की थी हाइड्रोजन एटम की जिसका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन वी आर टेकिंग हाइड्रोजन एटम, तब वहां पर एन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1. ठीक, सो एन 1 अगर हम यहां पुट कर दे तो म्यू एल जो है आपका वो हो जाता है, एन तो 1 हो गया, ये हो गया ई एच बाई 4 पाई एम ई, ये आपका हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एवरीथिंग इज ए कांस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू निकाला जा सकता है. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.27 इंटू 10^-24, और क्योंकि हम मैग्नेटिक मोमेंट कर रहे हैं तो मीटर मीटर स्क्वायर. ठीक है, करंट के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक, ये जो वैल्यू है ये कहलाती है बोर मैग्नेट्रॉन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेट्रॉन, इसीलिए इसको म्यू एल ना करके म्यू बी कर देते हैं लिखते समय, टू रिप्रेजेंट बोर मैग्नेट्रॉन. ठीक है, सो बोर मैग्नेट्रॉन आपका क्या है, वो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका मैग्नेटिक मोमेंट है. वो बहुत स्पेसिफिक बात हो गई यहाँ पे, ये तो जनरल कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात हो गई. देखिए यहाँ हमने जनरल लिखा है, कोई हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप यहाँ आ जाते हैं यहाँ से तो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, या यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट बोर का, बोर के स्टडी या उनके जो भी ऑब्जर्वेशन था उसके बारे में बात हो रही है. तो उनके हिसाब से जो हाइड्रोजन एटम वाला इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना हो जाता है. ठीक है, 9.27 न्यूटन पर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, सो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो कि किसी ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व कर रहा है. ठीक, सो आज के वीडियो में हम डिस्कशन को यही समाप्त करते हैं. अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.